आइए दोस्तों, कोरोना वायरस पर देश दुनिया में क्या माहौल चल रहा है, 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। देखिए, बड़ा अपडेट, देश और दुनिया में कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है और भारत में मार्च महीने तक कोरोना की चौथी लहर भी आ सकती है। आखिर एक्सपर्ट क्यों कह रहे हैं? हालात देखिए आप, चीन में तो शमशान घाट में हर दिन 5 गुना ज्यादा लाशें होती जा रही है, यानी कि मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हमारे देश में भी कोरोना का खतरा इसलिए ज्यादा बढ़ गया क्योंकि ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट अभी अमेरिका और चीन में तबाही मचाए हुए हैं, XBB.1.5, ये वेरिएंट अब तक दुनिया के 29 देशों में फैल चुका है और भारत में भी इस वेरिएंट के 11 नए केस सामने आ चुके हैं और इसलिए भारत में भी कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। एक दो नहीं बल्कि विदेश से भारत आने वाले यात्रियों में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट पाए गए हैं। और 24 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक का डेटा देखिए आप, विदेश से आने वाले 124 लोगों में से 11 टाइप के कोरोना वेरिएंट हमारे देश में नए मामले आए। अमेरिका से लौटे कोरोना संक्रमित युवक के संपर्क में आए 32 लोगों की जांच भी की जा रही है और उन लोगों के सैंपल को जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भी भेजा गया। इसके अलावा देखिए, कोरोना का एक और नया वेरिएंट BF7 से भी भारत में हड़कंप समझ गया क्योंकि बंगाल में अमेरिका से लौटे 4 युवक इस वेरिएंट से भी पॉजिटिव पाए गए। तो मतलब भारत में भी कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। दुनिया के दूसरे देशों से जो लोग बाग आ रहे हैं ना, उनमें कोरोना के नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और इसीलिए खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। वैसे हमारे भारत में आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 188 नए केस आए जबकि 201 लोग ठीक भी हुए। सक्रिय मामलों की संख्या अभी 2500 के लगभग चल रही है, 2554 एक्टिव केस हैं अभी भारत में। और अलग अलग राज्यों में कोरोना की स्थिति क्या चल रही है ये भी आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा केरल राज्य में आए नए केस 58, उसके बाद कर्नाटक में 34, महाराष्ट्र में 16, दिल्ली में 6, तमिलनाडु में 12, उत्तर प्रदेश में 4 कोरोना के नए मामले पिछले 24 घंटों के दौरान देखने को मिले। कि कोरोना की रोकथाम को लेकर इंडियन रेलवे ने भी अलर्ट जारी कर दिया और कर्मचारियों को बूस्टर डोज और मास्क लगाकर काम पर आने के निर्देश दिए। रेलवे कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। अच्छा, वही देखिए, कोरोना महामारी पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चिंता जताई और चीन को लेकर एक बात कही उन्होंने। चीन से आने वाले यात्रियों पर तो पहले से ही अमेरिका पाबंदी लगा चुका है, लेकिन अब चीन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अगर आप चीन से आ रहे हैं तो आपकी जांच होनी चाहिए। चीन नहीं कर रहा, मुझे पता है वे बेहद संवेदनशील हैं, हम सलाह देते हैं पर वे स्पष्टवादी कतई नहीं है। यानी कि चीन सरकार पर अब दुनिया भर के देशों का विश्वास भी पूरी तरह से उठ चुका है क्योंकि एक तो चाइना ऑलरेडी मतलब डेटा सही नहीं बता रहा, वहां कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग पॉजिटिव हैं, इसका डेटा भी दुनिया के किसी देश को नहीं बता रहा। और ऊपर से चीन से जो यात्री जा रहे हैं उन पर दूसरे देश के लोग जो प्रतिबंध लगा रहे हैं उस पर भी चीन का कहना कि ये तो गलत है। वैसे पिछले 6 महीनों के डेटा को देखें हमारे देश में तो 66% बढ़े कोरोना के XBB वेरिएंट के मामले और इस खतरे को लेकर भारत सरकार ने भी चेतावनी जारी की है। देशवासियों को कोरोना से सावधान रहने और सरकार ने राज्य सरकारों को पल्स ऑक्सीमीटर की उपलब्धता से लेकर मेडिकल ऑक्सीजन की क्षमता की मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आ रही, छत्तीसगढ़ राज्य में भी सामने आया कोरोना के गंभीर नए वेरिएंट BF.7.2.1 का मामला, 5 लोगों की रिपोर्ट आना अभी भी बाकी है। राजस्थान जयपुर में भी कल कोरोना के XBB.1.5 वेरिएंट का मामला सामने आया था और ये जो XBB.1.5 वेरिएंट है ना, ये अब तक का सबसे खतरनाक कोरोना का वेरिएंट है क्योंकि ये कोरोना के दूसरे वेरिएंट की तुलना में उनके कंपैरेटिव 100 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। और ऐसे में इन सब माहौल के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत में कोरोना की चौथी लहर आने का माहौल बन रहा है? आखिर आंकड़ों का संकेत, आंकड़ों का गणित क्या कहता है? अब कोरोना वायरस की चौथी लहर की शंका करने के पीछे कुछ कारण है, जैसे कि पिछले महीने चीन और जापान समेत कई देशों में कोरोना के केस काफी ज्यादा बढ़े। अच्छा, दूसरा कारण कोरोना वायरस का जो BF.7 वेरिएंट है जिसने चीन में तबाही मचा रखी है, उसके मामले भारत में भी सामने आ गए हैं और भारत भी अब चौकन्ना हो गया। ऐसे में क्या भारत में कोरोना की चौथी लहर का माहौल बन रहा है? इस पर एक्सपर्ट का ये कहना है कि अभी देश के ज्यादातर राज्यों में, ज्यादातर प्रदेशों में शांति है, बाकी प्रदेशों में नए कोरोना के केस की संख्या में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भी नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन केंद्र सरकार सतर्क है और राज्यों को सलाह दी गई है, टेस्टिंग और कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज को बढ़ाने की सलाह दी गई है। साथ ही केंद्र सरकार ने एजेंसियों को वायरस के नमूनों की जीनोम सिक्वेंसिंग करने को भी कहा है ताकि पता चल सके कि ताजा मामलों में कोरोना के कौन से वेरिएंट की बढ़ोतरी हो रही है। और जहां तक एक्सपर्ट का कहना है कि अगर लोग बाग सावधानी बरतेंगे तो चौथी लहर आने का खतरा बहुत कम ही है भारत में और इसलिए कोरोना की चौथी लहर आएगी या नहीं आएगी ये आपके हमारे ही हाथ में है। अगर हम सब मिलकर मास्क लगाएंगे, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे तो जाहिर सी बात है हम चौथी लहर से बच सकते हैं, लेकिन लापरवाहियां करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें चौथी लहर का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इसी बीच मीडिया में कई सारी ऐसी फर्जी खबरें भी चलाई जा रही कि कोरोना से लॉकडाउन लग गया, जनवरी से लगेगा, फरवरी से लगेगा, स्कूल कॉलेज बंद होंगे वगैरह वगैरह, तो काफी ऐसे दावों को PIB फैक्ट चेक की तरफ से झूठा बताया गया और आप भी ऐसी झूठी खबरों के जासूस में ना फंसे।